तो ये दोस्तों एक इतिहास इस जगह से जुड़ी हुई है क्योंकि इन सब हमारे योद्धा वीर लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से होकर के अब हम लोग सीधे चलते हैं ऊपर में और आप लोगों को ऊपर का व्यू दिखाते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहें और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे ब्लॉग में बने रहे तो फाइनली गाइस हम लोग उधर से आप लोगों को दिखा उखा करके हम लोग चलते हैं पहाड़ के ऊपर में और ये ऊपर में ही एक जगह है ये पत्थल उस पत्थल में ही ये पानी है और उस पत्थल की कहानी दोस्तों आप लोगों को ऊपर चल के आप लोगों को बताते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहे बहुत ही मज़ेदार और मज़ेदार की तो खैर बात अलग की किया जाए बट इसमें कुछ सीखने की चीज़ें हैं जो हमारे वीर बुध भगत जो योद्धा देश के लिए कुर्बान हुए उनकी कहानी आप लोगों को बयां करने वाले हैं वहाँ पे बताने वाले हैं चूंकि हम नीचे में कुछ लोगों से मिले गांव के लोगों से तो उन्होंने बहुत दुखी भरी कहानी बताई तो चलिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग बहुत ही अनकरीब है उस स्थल पे जाने के लिए और ये देख सकते हैं ये बच्चा और यही बच्चा हम लोगों को लेकर के चल रहा है और आप लोग देख सकते हैं पूरा पेड़ है ये पेड़ का नाम तो मेरे को मालूम नहीं है बट आप लोगों को देख करके जरूर जानते होंगे कि इस पेड़ का नाम क्या है और चलिए यहाँ पे है और ऊपर से आप लोगों को पूरा व्यू दिखाते हैं और ये आप लोग देख सकते हैं हम लोग फाइनली उस जगह पे पहुँच गए हैं तो फाइनली गए हम उस जगह पे पहुँच गए हैं और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं ले करके चलते हैं और यहीं पे उस जगह है जिसमें पानी है और ये पानी की पानी की कहानी दोस्तों आप लोगों को बताते हैं तो फाइनली गाइस उस जगह पे पहुंच गए हैं और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं ये जगह की कहानी और इस जगह में पानी है या नहीं तो चलिए ये देख सकते हैं उसी जगह पे हम लोग पहुंच गए हैं ये देख सकते हैं पत्थल पूरा चट्टानी भरा हुआ है और ये जो पत्थल जो आप लोगों को दिख रहा है ढका हुआ ढक्कन की तरह ये इसी ढक्कन को हटाने के बाद इसे पानी है या नहीं वो चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं तो चलिए सबसे पहले हम पत्थल हटा लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सिंदूर लगा हुआ है शायद मेरे ख्याल से यहाँ पूजा वूजा भी हुआ है आज या फिलहाल किसी दिन हुआ होगा यहाँ पे पूजा उजा होता है और ये पत्थर हम हटा लेते हैं और ये आप लोग देख सकते हैं गाइज तो अभी तो खैर फिलहाल पानी नहीं है ये आप लोग देख सकते हैं पानी बिल्कुल नहीं है दोस्तों और अभी तो हम लोगों को थोड़ा सा निराशा होना पड़ा क्योंकि हम लोग जिस आशा के साथ में हम लोग यहाँ पे आए हुए थे वो चीज़ हम लोगों को दिखा नहीं हम लोग ये सोच करके आए थे दोस्तों कि यहाँ पे पानी होगा और ये आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को यहाँ पे निराशा हाथ लगी और मेरे ख्याल से इधर में जो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं ये आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो उधर में भी एक हॉल है उधर पानी है या नहीं आप लोगों को देखो हम तो देखे नहीं वीडियो में तो चलिए दोस्तों अब इस पत्थल की कहानी बताते हैं और इस पानी की कहानी बताते हैं तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहें और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इस पत्थल को हम पहले ढक लेते हैं अच्छे तरीके से चूँकि कि किसी के धर्म स्थल के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों को बताते हैं यहाँ की कहानी अब आप लोगों को इस जगह की और इस पानी की कहानी बताते हैं चूँकि हम लोग जब पहुँचे वीरब्धु स्थल पर तो वहाँ पे हमको एक, एक दादाजी मिले थे वो दादाजी ने हमसे बताए वो हमसे कहे कि इस जगह की कहानी बताए तो दोस्तों तो वही कहानी आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे जिस जगह पर भी आप लोगों को दिखाएं उस जगह में पानी हुआ करता था और जो हमारे वीर वीरबधू भगत वो यहाँ लकड़ी तोड़ने के लिए आए हुए थे इसी जंगल पे और ये दोस्तों ये पूरा जंगल हुआ करता था एक समय में हम लोग का तो पैदाइश भी नहीं हुआ होगा और मेरे दादा दादी लोग रहे होंगे उस समय में उस ज़माने में ये बहुत पुरानी कहानी है ये सत्रह सौ अठारह सौ की कहानी है दोस्तों तो इस जगह में पूरा देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ पूरा घना अभी भी घना है बट पहले के हिसाब से पूरा घना नहीं है दोस्तों ये चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं तो दोस्तों जब हमारे वीर बुद्ध भगत यहाँ पे आए थे लकड़ी तोड़ने के लिए इसी जंगल पे यहाँ लिप्टस का पेड़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था और ये वाला पेड़ ये पेड़ का तो मुझे नाम नहीं मालूम नाम याद है पट्टी क्या बोलते हैं वो नहीं याद आ रहा है मुंह पे नहीं आ रहा है तो दोस्तों नहीं नहीं लिप्टस नहीं है ये ये लिप्टस नहीं है दोस्तों लिप्टस तो लंबा लंबा होता है ये छोटा छोटा पतला पतला है चाहे जो भी है खैर तो चलिए दोस्तों इसी पे आया करते थे वो तोड़ने के लिए और तोड़ने के लिए जब यहाँ आए थे तो डांग से पहले यहाँ पे काठी तोड़ा जाता था लकड़ी इस तरीके से झंडा जो गाड़ा हुआ है ना ये झंडा दिख रहा है आप लोगों को वाइट व्हाइट का झंडा उसी तरीके से पहले का लोगों ने काठी तोड़ते थे लकड़ी तोड़ा करते थे तो इसी जंगल पाए थे <coughs> लकड़ी तोड़ने के लिए तो जब लकड़ी तोड़ने के लिए जब फंसाए एक पेड़ में सूखा लकड़ी को तोड़ने के लिए तो वो पेड़ टूटा नहीं जब वो पेड़ टूटा नहीं तो उसका जो गेट जो होता है ना इस तरीके अक्सी टाइप से वो अक्सी उसका ढीला हो गया नहीं टूटा नहीं टूटने के बावजूद नहीं टाइट होने के बावजूद वो टूटा नहीं तो वो इस जगह पे आए जहां पे आप लोगों को दिखाएं अभी आप लोगों को चलिए नीचे चल कर आप लोगों को फिर से एक बार दिखाते हैं देखिए इसी जगह पे आए थे इसी जगह पे आए थे और इसको पानी दिखा पानी दिखने के बाद में उसी पानी को ले करके उसमें एक बूंद जो गमछा पहले लिया करते थे उस गमछे में ले करके निचोड़ करके पानी को चुबाए उसमें निचोड़ करके जिसमें वो अक्सी बांधा करते थे उसी अक्सर में बांधे तो वो टाइट हो गया जब टाइट हुआ टाइट होने के बाद में जब लकड़ी तोड़े तो लकड़ी नहीं टूट करके पूरा पेड़ जड़ से उखड़ गया सोचने वाली बात है पूरा जड़ से उखड़ गया तो सोचने लगे समझने लगे अपने आप में मंथन करने लगे कि आखिर इस पानी में ऐसा कौन सी ताकत है कौन सी तासीर है जो कि हम एक बूंद इसमें हम पानी डाले जो कि मेरा रस्सी पूरा टाइट हो गया और रस्सी टाइट होने के बाद में जब हम अक्सी फंसा करके लकड़ी तोड़ना चाहे तो लकड़ी नहीं टूट करके पूरा जड़ समेत वो पेड़ उखड़ गया शायद आप लोगों ने कोई कोई ऐसे लोग होंगे जो ये कहानी सुने होंगे हम भी ये कहानी सुने थे मेरे दादा दादी से बट आज यहाँ आए तो मुझे हकीकत में लगा कि हाँ ये कहानी सच में है, ये बीती है तो उसी चीज़ को आप लोगों के आप लोगों के पास बयाँ कर रहे हो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जब टूट गया पूरा पेड़ जड़ समेत तो वो सोचने लगे मंथन करने लगे कि आखिर जब इस पानी में इतना ताकत है इतना तासीर है तो अगर हम इस चीज़ को अगर इस पानी को अगर हम पी लेते हैं तो मेरे में भी अपने आप में पहले के बूढ़े बुजुर्ग लोगों में तो वो ख्याल आता ही था और अभी भी आता है कि हम अगर कोई करें तो थोड़ा हमको ताकत आ जाए तो उसी सोच करके वो उस पानी को पिए और वो जब पानी पिए उस समय से वो बलवान बन गए और उसमें ताकत भर गया और वही ताकत के वजह से आज हम और आप है ना और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं आज उन्हीं सब उन्हीं सब के बलिदान के वजह से आज हम लोग आज़ाद है फ्रीडम घूम रहे हैं और आज ये आप वीडियो देख रहे हैं ना आज उन्हीं लोगों की देन है जो कि आज ये वीडियो देख रहे हैं उन्हीं लोगों की देन से आज हम इस जगह पर आए हैं और आज उन्हीं की हम ये कहानी बता रहे हैं तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और एक जगह पे आगे और है वहाँ पे भी आप लोगों को लेकर के चलते हैं वहाँ की भी कहानी बताने की कोशिश करते हैं ये हमारे दो मित्र हैं ये तो खैर हम लोग से छोटे हैं बट इन लोगों को तो अगर इसी के इसी बस्ती के रहने वाले हैं तो इन लोगों को कुछ तो मालूम ही होगा इन लोगों को दादा दादी ने बताए होंगे तो चलिए दोस्तों आगे आप लोगों को लेकर के चलते हैं और हमारे वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन जरूर दबाइएगा हमें सपोर्ट करिए दोस्तों सपोर्ट की जरूरत है और बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के साथ लेकर के आवेंगे आप लोगों को दिखाएंगे तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहें तो चलिए दोस्तों आप लोगों को तो कहानी इस जगह पे इस जगह की कहानी बता दिए हमारे वीर वीरवुदू भगत की कहानी तो बता ही दिए तो दोस्तों उसी से और उसी जगह से जब वो पानी पिए तो उसी जगह से उसको देश सेवा करने की एक जज्बा पैदा हुई व्यू देख सकते हैं गाइस कितने ऊँचे में है उस पार में भी पहाड़ है और ये डूबता हुआ सूरज शायद आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं ये डूबता हुआ सूरज का सीन क्या नज़ारा है क्या व्यू है गाइस वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा खुशी दरख्वास्त है आप लोगों से यहाँ पे बच्चे लोग खेलने के लिए आते हैं जो कि ये पार्क टाइप से बना हुआ है और इधर कुछ बच्चियाँ लकड़ी तोड़ने के लिए आई हुई है क्या बच्चे लोग ठीक ठाक ठीक ठाक बच्ची की मुस्कुराहट देख सकते हैं और एक बच्ची शर्मा रही है और ये एक बच्चा इधर गाइज़ आप लोगों का तो बचपन याद आ ही गया होगा ये बच्चों की बच्चों को देख करके और चलिए आप लोगों को आगे दिखाते हैं तो गाइज़ हम लोग जिस जगह का ढूंढ रहे थे जिस जगह को ढूंढ रहे थे वो जगह हम लोगों को नहीं मिला लेकिन एक चीज़ जरूर मिला वो जो सामने जो दिख रहा है ना वो मेरा बस्ती जरूर दिख गया आप लोग देख सकते हैं भट्टा के चिमनी वो जो वाइट वाइट दिख रहा है वो हमारा बस्ती है और आप लोग देख सकते हैं नज़ारा तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर की ओर तो फाइनली गैस हम लोग नीचे आ गए हैं और अब हम लोग चलते हैं घर चूँकि शाम भी होने को है आप लोग देख सकते हैं डुबती हुई सूरज किधर गया डुबती हुई सूरज आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो को यहीं सेंड करते हैं और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथ साथ बेल घंटे जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो जरूर शेयर करिएगा और हमें जितने भी जानकारियाँ थी जितना भी हमें मालूम था जितना भी हम लोगों से जानना चाहें जितना भी हम जाने आप लोगों के साथ शेयर किया आप लोगों को बताएं उनकी कहानी बताएं और ये आप लोगों को फिर से एक बार बता देना चाहते हैं आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं ये हमारे सत्रह फरवरी सत्रह सो बानबे को जन्म हुआ था और शहादत जो इनकी हुई थी तेरह फरवरी अठारह बत्तीस को तो दोस्तों वीडियो को से एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ में किसी अच्छे से इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में छोटा सा ब्लॉग के साथ में तो हमें सपोर्ट करें सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है दिली दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल घंटा जरूर प्रेस करें और फिर मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सबक खैर